हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दवा प्रतिनिधियों ने धक्का मार रैली निकाली। दवा प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित बढ़ती कीमतों के खिलाफ जोधपुर के समस्त दवा प्रतिनिधियों ने सोमवार को मोटरसाइकिल धक्का मार रैली निकाली। जिला इकाई के सचिव प्रीतम सिंह ने बताया कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का प्रभाव सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर आमजन की पहुंच से बाहर होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें अब उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे आमजन में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि सरकार यदि चाहे तो पेट्रोल और डीजल को GST में लाकर या अपने टैक्स में कटौती कर आम जन को राहत दे सकती है। RMSRU जिला इकाई द्वारा सोमवार को दोपहर में मेडिकल मार्केट से जालौरी गेट तक धक्का मार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दवा प्रतिनिधियों के अलावा आम जन ने भाग लिया। इसमें पैम्फलेट वितरण कर आमजन को सरकार द्वारा की जा रही लूट से अवगत कराया गया। अगर सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो आज ये पहला चरण है, इसके बाद में इस आंदोलन को बड़े रूप में आम जनता को साथ में लेकर और बाकी सभी वर्गों को और ट्रेड यूनियन को साथ में लेकर इस आंदोलन को बड़े रूप में चलाया जाएगा। आपका परिचय? संजीव खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल एंड सेल्स ट्रेड यूनियन। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।